इस अवसर पर हम हर साल करते हैं पापा का स्वागत इसी स्टाइल में, लेकिन इस बार हमने नीचे किया है क्योंकि there's a new member in the family, तो एक अलग तरीके से किया इस साल, but the feeling is the same, the sanctity is the same, और हमारे घर जब मेहमान के तौर पर पापा आते हैं तो हम ऐसे ही स्वागत करते हैं हर साल. 40 years हो गए अभी, over 40 years. इस घर में 40 years हो गए. मुझे जब से होश आया, जब से मैं कुछ 5-6 साल का हूँ, मैं पापा की पहली आरती तो हमेशा अटेंड करता हूँ. वो गिरगांव से शुरू किया था. जब मैं पाली हिल पे शिफ्ट हो गया तो मैं पापा की आरती पाली हिल पे भी करता था. मेरे पुराने दोस्त जो गिरगांव के हैं वो वहाँ आते थे, और अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ तो यहाँ से मैं हर साल जब से मैं निकला हूँ गिरगांव से, और जहाँ भी मैं होता हूँ मैं पापा की पहली आरती पहली वाड़ी जिसे कहते हैं वो मैं करता हूँ. अभी इसलिए मैं अभी जाने वाला हूँ गिरगांव, मेरी पहली आरती की वेट हो रही है. मेरे पुराने दोस्तों को पापा को वहाँ मैं रिसीव करूँगा, उसकी आरती करूँगा, फिर मैं जो कुछ करना है करूँगा. और ये मैं चाहे अमेरिका में हूँ या कहीं भी हूँ, ये दिन मैं मुंबई में कैसे भी करके पहुँचता हूँ. एक दो बार प्रॉब्लम हो रहा था पर मैं पहुँच गया और पहली आरती मैंने कर ली. ये ऊपर वाले की मेहरबानी है, ये पापा का आशीर्वाद है कि उसके आरती करने के लिए ये मौका मिलता है मुझे. इस बार लक्ष्य ने खास बना दिया है. आप लोगों को क्या बयान करूं, मेरी खुशी का अंदाजा. पापा के साथ साथ वो मेरा पापा भी है. मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं कि एक नन्ना सा गणपति पापा मेरे घर आ गया. तुषार, आपकी ऑफकोर्स मतलब अलग इस साल ये बात है कि एक और मेंबर आया हमारे घर जो मेरे बेटे हैं मिस्टर लक्ष कपूर, और वो पापा की ही देन है. ही इज़ अ गिफ्ट ऑफ गॉड फ्रॉम लॉर्ड गणेशा. तो दो मेहमान आए हमारे घर इस साल, एक ऊपर सो रहे हैं और एक यहाँ पर आराम करने वाले हैं. तो बहुत दुगनी खुशी हमें, इट्स अ डबल वैमी फॉर मी दिस ईयर. एंड पहली गणपति जो मैं इनके जगह मतलब पूजा मैंने स्टार्ट की, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है इस साल. और आई वुडन्ट वांट टू से एनीथिंग एल्स, जस्ट थैंक गॉड फॉर द ब्लेसिंग दैट ही हैज गिवन मी इन द फॉर्म ऑफ लक्ष्य. जितनी कुछ मेमोरीज अगर आप शेयर करें आज, क्योंकि पिछले दफ़े भी हमारी कम बात हो पाई थी, गणेश चतुर्थी की क्या मेमोरीज हैं, खासतौर से इंडस्ट्री के साथ कभी आपने ऐसा दिन मनाया? ये पैदा भी नहीं हुआ था उस दिन से गणपति मेरे घर आ रहे हैं पाली हिल पे जी. एकदम उस साल पैदा हुई थी नेचुरली, उसके पैदा होने के बाद ही गणपति मैं शिफ्ट हुआ था पाली हिल पे. तो गणपति उस साल से आ रहा है, ये पैदा भी नहीं हुआ था. मेरे लिए तो ये मेरी जिंदगी है, एवरीथिंग इज अराउंड गणपति बापा. ये मेरे संस्कार है. ये जो गिरगांव में रहकर जो मैंने कैसे बताऊँ मैं कि जो मेरे संस्कार हैं, जो मेरे अपब्रिंगिंग है, ये टोटली लोअर मिडिल क्लास है. मैं लोअर मिडिल क्लास से बाहर आ गया हूँ, तो लोअर मिडिल क्लास मेरे अंदर से बाहर नहीं निकला, वो अभी तक मैं वही. देश और विदेश के लिए कुछ कामना करते हैं आप पापा से कि कुछ ऐसा हो जिससे देश और विदेश? वो कामना के से ज़्यादा हमको कुछ करना चाहिए. अभी हाल ही में एक फिल्म बनाई थी हमने जिसे क्लीनलीनेस पे ज़्यादा जोर देते हुए उस फिल्म पे तवज्जो रखी थी, जिसका नाम है फ्लाइंग जेट. इट वॉज वो फिल्म में हमने ये जो स्वच्छता का स्लोगन है उसको एनहांस करने की पूरी कोशिश की, बाकी पापा की मर्जी.